ओके सो कैसे आप सब। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज सब कैरियर होंगे, ठीक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं Samsung Galaxy Grind Prime के बारे में। दोस्तों अगर आपको इसके ऊपर स्टोरेज प्रॉब्लम देखने को मिली है और इसे आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, अब दोस्तों ये फोन एक ऐसा फोन है जिसमें दोस्तों आपका स्मार्टफोन बिल्कुल स्मूथ से चलता था, लेकिन अब जो है ये स्टोरेज प्रॉब्लम दे रहा है जिससे दोस्तों आपका स्मार्टफोन स्लो होता है और ना आप किसी अलग एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर पा रहे हो, ना आप इसमें फोटोज ला पा रहे हो, ना आप जो इसके ऊपर जो है वीडियोज देख पा रहे हो। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। आज से दोस्तों मेरे दो साल पहले इस पे वीडियो बनाई थी जो कि काफी कमाल लोगों ने जो है रिस्पांस भी दिया था और अच्छी भी लगी थी, लेकिन वो कुछ लोगों के जो है वो कुछ दिन तक जो है वो काम करती थी, यानी कि मतलब 30 दिन निकल गए, 40 दिन निकल गए। लेकिन आज मैं आपको इसके साथ साथ दोस्तों एक आपको ऐप बताने वाला हूं जिसका आप यूज करोगे यकीनन दोस्तों आपको स्टोरेज प्रॉब्लम कभी भी नहीं देखने को मिलेगी और साथ साथ दोस्तों आपका जो है वो ये स्टोरेज का मसला ही खत्म हो जाएगा, जड़ से खत्म हो जाएगा आप लोग अगर एक ऐप का यूज करोगे। अभी इस एप्लीकेशन का कमाल क्या होगा कि जितनी भी आप इस फोन के ऊपर ऐप्स को यूज करते हो उसका जो स्टोरेज का साइज है वो बिल्कुल कम कर देगा, ताकि दोस्तों आप लोग अपने फोन को इजीली यूज कर पाओ, स्टोरेज का मसला बिल्कुल खत्म हो जाए, गायब हो जाए। तो अगर आप करना चाहते हो स्टोरेज प्रॉब्लम को सॉल्व तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और इस एप्लीकेशन का यूज जरूर करना। एक बार करके देखो, मेरे कहने पर करके देखो, काम जरूर करेगा और 100% दोस्तों आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ओके गाइस, यहाँ पर आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों Samsung Galaxy Grind Prime के बारे में बात करने वाले हैं कि इसके ऊपर स्टोरेज प्रॉब्लम आपकी फुल हो चुकी है, सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो मेरी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना, क्योंकि आज मैं आपको ऐप बताने जा रहा हूँ जो कि पावरफुल ऐप है जिसका यूज़ करोगे आप लोग ईजिली अपनी स्टोरेज प्रॉब्लम को खाली कर सकते हो, 1 GB तक 2 GB तक भी खाली कर सकते हो। अब आपके फ़ोन में जितनी भी एप्लीकेशन है इनको भी आपने यूज़ करना, इनको अनइंस्टॉल नहीं करना, जो फोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, जो फाइल्स पड़ी हुई हैं आपको उनको डिलीट नहीं करना। आपको सिंपल इस एप्लीकेशन को करना है, वर्ड टैब कैलेंडर के नाम से देखने को मिलेगी। जैसे क्लिक करोगे, जैसे आपको प्ले स्टोर पर ये मिल जाएगी, वहां से आप इजीली उठा सकते हो। और लाखों लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बिल्कुल ही फायदा उठा रहे हैं, अब इससे पैसे भी कमा रहे हैं, क्योंकि ये ऑप्शन हमें देखने को मिलता है, हम इसका यूज करके पैसे भी कमा सकते हैं। लेकिन हमें सिर्फ स्टोरेज प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो कैसे करना होगा, सबसे पहले दोस्तों हम 3 लाइंस के ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पर दोस्तों आपको डैशबोर्ड का ऑप्शन देखने को मिलता है जो अभी हमने ओपन कर रखा है, और जैसे आप पहले ओपन करोगे तो आपको 1-2 परमिशन देनी पड़ेगी, आपने उसको अलाउ कर देना है। उसके बाद दोस्तों कैची क्लीनर हो गया, उसके बाद एसडी क्लीनर हो गया, हिस्ट्री क्लीनर हो गया, यहां पर आपको टेक्स्ट हो गया, कॉल क्लीनर हो गया, डिफॉल्ट्स क्लीनर हो गया, क्लियर ऑल हो गया। तो हम क्लियर ऑल पे पहले क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक करेंगे क्लोज कर देना। क्लोज करोगे दोस्तों यहाँ पर नीचे देख सकते हो सेलेक्ट क्लियर ऑल हिस्ट्रीज, आपने इस पर क्लिक करना है, और जैसे क्लिक करोगे नीचे प्रोसेस चलना स्टार्ट हो चुका है। 10 यहाँ पर देख सकते हो क्लियर हो चुका है। ये जो है दोस्तों हमारे पास ऐप्स हैं, इन पर हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ से हम इनको अनइंस्टॉल भी, यानी कि ये हमारे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के तौर पर हमारे पास पड़ी हुई है, तो इनको हम क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ से आ जाना है बैक, इसको यानी कि ऐप को क्रॉस कर देना है। जैसे क्रॉस करोगे दोबारा से आपने इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, और जैसे आप इसको ओपन करोगे और ओपन करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लेगा, क्योंकि हमने जब आप मतलब जब क्लियर ऑल किया है, और इससे कोई भी आपकी जो वो एप्लीकेशन में फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी एप्लीकेशन आपकी डिलीट नहीं होगी। ठीक है, आपने यहां पर ध्यान से अच्छे तरीके से जो यहां पर काम करना है और कोई भी आपको जब यहां पर प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। उसके बाद दोस्तों आपको कैची क्लीनर के ऊपर क्लिक करना है, और यहां पर आपके पास जितनी भी एप्स हैं इसकी स्टोरेज जितनी भी बढ़ी हुई है, जैसे जैसे आप यूज करते रहते हो तो इसकी स्टोरेज बढ़ती रहती है, तो आपको इसको करना क्या है कि इस ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है और दोबारा से इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, और हमारे पास ऊपर देख सकते हो क्लियर होना स्टार्ट हो चुकी है, और हमारी जीपी जो है यहां पर खाली करके दे दी गई है, 4 GB तक मुझे जो यहां पर खाली करके दी है 60 ऐप्स के ऊपर। आपके पास एप्लीकेशन थोड़ी सी कम होगी तो तब आपके पास यहां पर जीपी भी थोड़ा सा यहां पर जो आपको बताया जाएगा कि भाई आपको इतनी MB खाली करके दे दी गई है स्टोरेज में। तो ये काफी पावरफुल एप्लीकेशन जिसका यूज करके दोस्तों आप लोग इजिली जो काम कर सकते हो और स्टोरेज प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो।